नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल द बेस्ट कल्प जो में मैं आपका दोस्त गुरमीत चंदी फिर लेके आया हूँ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी। आज जानकारी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मैं किसी के बारे में वीडियो नहीं डाल रहा भाई, टैक्सी में चल जाओ, वेयर हाउस हेल्पर में चल जाओ, ट्राला में चल जाओ, जहाँ मर्जी जाना है जाओ, पर ये मेरी चार बातें आज चार टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। प्लीज़ आप थोड़ा सा समय निकाल के सुन ले, क्या मुझे प्रॉब्लम आती है, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्या एजेंट को प्रॉब्लम आती है और क्या कंपनी को प्रॉब्लम आती है। मेरे चार ही टॉपिक छाट के लाया हूं। पहला टॉपिक है ECR और ECNR पासपोर्ट, मतलब चेक रिक्वायर्ड नॉट इमिग्रेशन और चेक रिक्वायर्ड इमिग्रेशन पासपोर्ट। ये दो तरह का पासपोर्ट होता है। सीधी सीधी बात बता दूं, एक 10वीं फेल और एक 10वीं पास का पासपोर्ट। दूसरा टॉपिक है मेरा डॉक्यूमेंटेशन, हाउ टू सबमिट द डॉक्यूमेंटेशन, हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे सबमिट करें इसके बारे में बात करूंगा। तीसरा टॉपिक है क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इसके बाद वन बाय वन प्रोसीजर क्या है। चौथा टॉपिक मेरा है प्रोसीजर क्या है, कितना टाइम वीजा को और कैसे कैसे आपने करना है, कैसे हाउ टू गेट योर इंटरव्यू, मतलब आपने इंटरव्यू कैसे फाइट करनी है और कैसे इंटरव्यू देनी है। ये टॉपिकों पे मैं चार पे बात करनी है डीपली। उससे पहले, जानकारी आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, हम्बली आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसे वीडियो एंड में अच्छा लगे दबा के कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो। दोस्तों मैं पहली बात करता हूँ ECR। देखो मुझे अब क्या दिक्कत आ रही है, सबसे पहले टैक्सी में हमारी रिक्वायरमेंट चल रही है ना, तो लोग ECR वाले भी कूद पड़ते हैं और नॉन ECR वाले भी कूद पड़ते हैं। जब जिसमें बोल दिया भी आपको ECNR पासपोर्ट चाहिए तो मतलब चेक नॉट रिक्वायर्ड इमिग्रेशन ECNR, आप पढ़े लिखे 10वीं वाले वही पासपोर्ट भेजे। और इसमें एक तुटी और साथ में एक बात और जोड़ देता हूँ, जो बंदे सऊदी या मिडिल ईस्ट किसी कंट्री में रहे हैं और उनका वहां रहने के बाद 10th पास नहीं है पर पासपोर्ट ECNR बन गया है, देखो कितनी अच्छी बात है। बंदा 10th फेल था पर किसी कंट्री में 5-7 साल उसने काम कर लिया तो वो बंदा पासपोर्ट ECR से ECNR हो गया, तो बोथ आर एक्सेप्टेड है। बट आपका 10th का सर्टिफिकेट मस्ट रिक्वायरमेंट है, बहुत सी कंपनियों में है, कईयों में नहीं है, तो आप इन बातों को गौर से सुने। इसमें हाइपर होने की या इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये मांग लिया, वो मांग लिया, ठीक है। सेकंड नंबर की बात बता दूं मैं, जिस पे आपको बात कर रहा था भी, मतलब आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। देखो पासपोर्ट मस्ट है, बिना विदाउट पासपोर्ट, आप विदाउट पासपोर्ट तो कॉल ही मत किया करो क्योंकि आपका खुद का ही मजाक बनता है। एक आदमी कॉल करता है, कहता है सर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, बेल्डिंग में दुबई जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई आधार कार्ड पे तो वीज़ा लगता नहीं है, पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है, वीज़ा चाहिए तो यू मेक द पासपोर्ट फर्स्ट, ओके। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर की जो बात करता था, हाउ टू फाइट द इंटरव्यू। देखिए आपको कितनी फैसिलिटियाँ दे दी घर बैठे बैठे, ये कोरोना के बाद कितनी आपने प्रोग्रेस कर ली घर बैठे बैठे। आपको, आप 500 किलोमीटर दूर एजेंट बैठा है, 1000 किलोमीटर दूर एजेंट बैठा है, जूम की आईडी भेजता है, लिंक भेजता है। आप एक बात करो, असम से आदमी उठ के गंगानगर आए या फरीदकोट जाए, 5000 रुपए से कम खर्चा नहीं आएगा उसका, तो आपका 10000 रुपए बच गया। आप क्यों नहीं मानते जूम को, क्यों जूम पे इंटरव्यू नहीं देते, फिर आपका जूम पास हो जाते हो। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत सी बातों की आती है, लोग फोन ही नहीं उठाते या फोन उठाते सर बिजी, यार आपको टाइम निकाल के बंदा इंटरव्यू करवा रहा है, एजेंटों के पास जाके पासपोर्ट जमा करा देते हो, वहां 2-2 महीने राउंड मारते हो, चक्कर मारते हो, मेडिकल करवाते हो, वो करवाते हो, वो आपकी नाक से लीक के कटवा देता है बाद में आप, और ये बंदा आपको पहले ही सारा कुछ करके दे रहा है फिर भी आप फॉलो अप नहीं कर रहे। पासपोर्ट हो गया, सेकेंड नंबर 10th की मार्कशीट हो गई, कई कंपनियों में जरूरी है, कईयों में नहीं जरूरी है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और एक वाइट बैकग्राउंड की फोटो, ये है। और कई बंदों को नोटोरी अटेस्टेड का ही नहीं पता, जो तालुका में जो गस्टर्ड अधिकारी बैठता है, जो वकील भी हो सकता है, वो वकील के पास भी पावर होती है नोटोरी अटेस्टेड की, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज पर्सन होता है उसको नोटोरी बोलते हैं, वो आपने करवा लिया। सेकेंड नंबर पर आपने ये डॉक्यूमेंटेशन कर दी। देखो बी सिंपल सी सीधा लॉजिकली बात बताता हूँ आपको, आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दी, सॉफ्ट कॉपी भेज दी, आप बैठे हो असम में, एजेंट बैठे हैं फरीदकोट पंजाब में, डॉक्यूमेंटेशन भेज दी, इंटरव्यू में पास हो गए, कंपनी ने डॉक्यूमेंट भेजे, सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट चले गए, अब मॉल आ गया, ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर पे वो बंदा बोलता है आप थंब लगा के साइन लगा के भेजो, बंदे के पास आगे से फ़ोन करता है, कैंडिडेट फ़ोन नहीं उठाता,
या फोन उठाता कहता सर मेरे तो घर में मासी बीमार होगी, मैं नहीं जा सकता, मेरे घर में ये प्रॉब्लम होगी। अब वही आदमी वो एजेंट के पास जाता है किसी ऑफिस में, वो अपनी डाउन पेमेंट जमा करवाता है, पासपोर्ट जमा करवाता है, फिर भाग भाग के काम होते हैं। तो आप अपने विवेक का यूज करें कि आपने एडवांस पेमेंट देनी है या अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कौन बंदा आप पे इतना फेथ करके आज के टाइम में आपके सारे डॉक्यूमेंट मंगवा के दे देगा, आपको सारा काम करके दे देगा? कोई नहीं करता भाई, मेरी नज़र में तो कोई नहीं करता। हो ना हो तो मेडिकल में 1500 तो जरूर कमीशन मार ही लेगा, और छोड़ो ऐसे यहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं। तो ये मेरी चार बातें थी आपको समझाने वाली। इंटरव्यू फाइट होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, एक चीज़ आप जल्द से जल्द भेजें कोरियर करके, या तो एडवांस पेमेंट या वो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट भी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे पासपोर्ट 2000 का, गुम का, लॉस का, एपायरी करके के नया बना लोगे, वो बंदा तो फंस गया 5000 दराम का वीज़ा देके। तो ये बातें सोचने वाली हैं, जहन में बिठाओ इन बातों को, तभी आगे चल के अच्छी बातें होंगी। तो दुबई टैक्सी में जो चल रही हैं जॉब, ये बहुत ग्रेट एन अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो जाना चाहता हूँ, जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट बताई है, आपके साथ चर्चा की है, उस पर आप थोड़ा अमल करें और बड़ी प्यार से आप उसको टैकल करें, समझने की कोशिश करें, ताकि आपको निकट फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए और कोई आपको तड़ी पार भी ना कर जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप अपने दोस्त को इजाजत दें, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद।